नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं तिल के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। 250 ग्राम ये तिल ले लिया है, जिसको धोकर सुखाकर और अच्छे से साफ कर लिया है, और 250 ग्राम गुड़। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है, उसमें डाल देंगे तिल। हम इसे अच्छे से भून लेंगे इस तरीके से चला चला करके। ये देखिए कैसे चट चट की आवाज कर रही है हमारी तिल्ली। जब ये चट चट करना बंद कर देना, तब इसको बंद कर देना, तब समझ लीजिए कि आपकी तिल्ली अच्छे से भून चुकी है। ये देखिए कैसा कलर हो गया है इसका। तो हम गैस को बंद कर दिए हैं। अब हम इसको कढ़ाई से एक बर्तन में निकाल लेंगे इस तरीके से, और इसको रख देंगे साइड में और अपने चाशनी की तैयारी करेंगे। इसमें डाल देंगे गुड़, जो हमने गुड़ लिया था ये डाल देंगे इसमें। और ये देखिए कितना कम पानी है, तो ये पानी हम इसी में डाल देंगे पूरा, और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में ये, और गुड़ को इस तरीके से चला चला करके घोल लेंगे, अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है, और गैस को हम मंदी कर दिए हैं। जब तक ये पूरा गुड़ अच्छे से इसमें मेल्ट नहीं हो जाता है, आप चाहे तो गुड़ को फोड़ करके भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं फोड़ा है, पर ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा इसमें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम चाशनी को थोड़ी देर और पकाएंगे। अभी हमारी चाशनी अच्छे से नहीं पकी है, ये देखिए पतली है। चाशनी हमारी पक चुकी है। अब एक कटोरा लेंगे और उसमें ये देखिए थोड़े से बूंदे इस पे छुआ करके चेक करेंगे, और हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसको ये देखेंगे। ये देखिए तार छूट रहा है, इसका मतलब हमारी चाशनी पूरी अच्छी तरीके से पक चुकी है। गैस को बंद कर देंगे, और जो हमने ये तिल्ली ली है ये डाल देंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। जब तिल्ली भूज करके रखी थी पूरी इसी में डाल दिया है, इसे अच्छी तरह इसकी मिला लेंगे। गैस को बंद कर दिया है, गैस नहीं चल रही है। अब हम इसे एक बर्तन में पलट लेंगे। ये देखिए हम इसको जल्दी जल्दी से बांधेंगे, गर्म है तो इसलिए हम इसमें ज्यादा जोर नहीं लगा रहे हैं, ऐसे बांध करके रख रहे हैं। ये देखिए एक हमारा लड्डू बन करके तैयार हो गया है। इसी तरीके से सारे लड्डुओं को हम बना लेंगे। ये देखिए हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। ये किस तरीके से बने हैं, बहुत ही अच्छे लड्डू बने हैं। ठंडियों में ये लड्डू खाना तो बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए। एक बार आप भी जरूर ट्राई करिएगा इस लड्डू को बना करके। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।